दर्शन देखैया जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। आज के अंक मा देखबो कुपोषण ला दूर करे बर प्रदेश भर मा मनाएगी पोषण माह अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के मौका मा फ्रीडम रन के आयोजन। विश्व पर्यटन दिवस के मौका मा जगदलपुर मा होम स्टे कार्यशाला के आयोजन। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती मनाएगी। देशभर में काली 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती मनाएगी। गांधी जी के स्वच्छ भारत के संदेश ला आगे बढ़ाए के प्रतिज्ञा करथन। अपन घर गांव शहर और अपन देश ला स्वच्छ राखबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अमृत महोत्सव 2.0 स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता शहरी अभियान के शुरुआत करीन। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लयिका मन में कुपोषण ला दूर करे बर पोषण माह मनाएगी। बिलासपुर में पोषण शिविर के आयोजन करेगी। ए मौका में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल और सामाजिक संस्था लयिका मन ला पोषण सामग्री बांटिस। केंद्र सरकार हा बीते 1 सितंबर ले 30 सितंबर तक पोषण के विशेष अभियान चलाएगी। बिलासपुर के महिला और बाल विकास अधिकारी निशा मिश्रा हा बताइस की कार्यक्रम में 50 लयिका मन ला पोषण सामग्री बांटेगी। और उसी पोषण माह के अंतर्गत आज यहाँ चांटीडीह में एक हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हम लोगों ने 50 बच्चों को पोषण किट भी वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ सिम्स के सहयोग से उन 50 बच्चों में से सैम बच्चों का चिन्हांकन भी किए, जिसमें 5 बच्चे सैम चिन्हांकित हुए हैं, मतलब वो गंभीर कुपोषित हैं, अति गंभीर कुपोषित हैं, उनको NRC से लाभान्वित करेंगे। उन्हें सिम्स अस्पताल के सहयोग ले लयिका मन के जांच के दौरान 5 लयिका मन हा ज्यादा कुपोषित पाएगी। ये लयिका मन के पालक ला कुपोषण दूर करे बर जानकारी देगी। पोषण शिविर में अपन सेवा देवाली डॉक्टर शकुंतला जीतपुरे हा कहिन की लयिका और महतारी मन ला कुपोषण ले बचाए बर प्रयास करे के आवश्यकता है। तो अगर हम शुरू से ही कुपोषण को दूर कर सकेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुपोषित बच्चा होता है उसको डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये सब बीमारी कुपोषण को दूर करके कर सकते हैं और स्वस्थ बच्चे को माँ भी स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में लयिका मन ला कुपोषण ले बचाए बर आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक पूरक आहार देगी। एकर बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण महिला मन हा बताइन कि ये अभियान के बने परिणाम सामने आवत है। आज हम इसमें कुपोषित बच्चों का वजन नाप ले रहे हैं, उसके माध्यम से उनका पहचान किया जाएगा कि वो NRC में भेजने लायक होंगे तो उनको NRC में भेजा जाएगा। और कुपोषण से लड़ने हेतु पौष्टिक किट का भी वितरण किया जा रहा है और साथ ही हितग्राहियों को समझाइश दी जा रही है कि किस प्रकार से हमारे पोषण आहार को उपयोग करना चाहिए। और साथ ही हम लोग पोषण प्रदर्शनी लगाए हैं। पोषण माह में प्रदेश के आने आने जिला में कार्यक्रम आयोजित हुआ थे। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ में प्रदेश भर में आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जावे थे। प्रदेश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम घलो आयोजित करेगी। रायपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हा साइकिल रैली के आयोजन करिन। CRPF के IG प्रकाश अवधेश हा हरियर झंडा देखा के रैली ला रवाना करिन। कोरबा के घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम मा फिट इंडिया फ्रीडम रन के आयोजन करेगी। ए मौका मा स्कूल और कॉलेज के छात्र मन हा 3 किलोमीटर के दौड़ मा भाग लिन। क्षेत्रीय विधायक ननकी राम कंवर और जिला पंचायत CEO कुंदन कुमार हा भाग लेवैया छात्र मन ला स्वस्थ रहे बर शपथ दिलाइन। जिला पंचायत CEO कुंदन कुमार हा बताइस की 3 किलोमीटर के ए दौड़ घंटा घर ले चालू हो के ITI चौक मा आखिरी होइस। इसमें सभी बच्चे, सभी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के सभी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शहर के रहवासी, सभी लोग को यह संकल्प लिवाया गया है कि सभी लोग अपने जीवन में फिटनेस का अनुसरण करेंगे, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय देंगे। इससे वो अपने शरीर, अपने मन को भी स्वस्थ रखेंगे और राष्ट्र निर्माण में जो अपनी भूमिका है उसमें भी अपना एक सफल योगदान देंगे। बैकुंठपुर स्थित रामानुज मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, NCC कैडेट्स और स्कूली बच्चा मन हा फ्रीडम रन में भाग लिन।
मिनी स्टेडियम ले निकले धावक घड़ी चौक गांधी पार्क बस स्टैंड होत वापिस स्टेडियम पहुंची। कोरिया में घलो फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम के बारे में दूरदर्शन समाचार ले बातचीत करत हुए प्रोफेसर एम सी हिमधर बताइन की अमृत महोत्सव के मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के योगदान के बारे में बताना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है भारत माँ को आजाद कराने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, जो शहीद अपनी जान की कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराए, उनकी शहादत को याद करना, उनको नमन करना, आज की युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देना और साथ ही साथ फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के तहत 2.0 का जो आगाज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है कि आज हमने महसूस किया कोविड के दौरान जो शारीरिक रूप से फिट नहीं थे सबसे ज़्यादा कोविड का संक्रमण उनको हुआ है, तो आज पूरे भारतवर्ष हमारे फिट रहें इसके लिए प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में आधा घंटा निकालें और प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौका में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन करेगे। भारत सरकार के पर्यटन विभाग हा जगदलपुर में विश्व पर्यटन दिवस के मौका में एक कार्यशाला के आयोजन करेगी, जेमा बस्तर के होम स्टे संचालक मनला आमंत्रित करेगे रहीस। बस्तर जिला प्रशासन हा 26 पर्यटन स्थल में होम स्टे तैयार करे है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निर्देशक डी वेंकटेशन है बताइन की सैलानी और पर्यटक बर होम स्टे में मिले वाली सुविधा के बारे में बताइस और लोगन ला रोजगार ले जोड़े बर प्रयास करे जाते। बस्तर जैसे जगह पे जहाँ पे इतना पर्यटन का काम चल रहा है और जबकि हमें पता चला कि यहाँ के जिला प्रशासन ने करीब 26 होम स्टे को डेवलप किया है अपने फंडिंग से, तो हमने सोचा कि इनको एक कार्यशाला यहाँ पे करें ताकि यहाँ के जो होम स्टे ओनर्स को सही तरीके से कुछ मार्गदर्शन मिले, कैसे इसको चलाना है, इसको कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे के जो बिस्तर बदलने हैं, इसके लिए हमने एक विशेष विशेषज्ञ बुलाया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हैदराबाद से आए हैं। आज जिला कलेक्टर रजत बंसल हा कहिन की पर्यटक मन ला यहाँ के संस्कृति ला देखे और जाने बर मिले जेकर बर हमन पूरा कोशिश करत हन। ओमन कहिन कि पर्यटक मन ला होम स्टे के सबो सुविधा दे जावत हे। दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के परिवेश में जो रीजनल डायरेक्टर है टूरिज्म विभाग के भारत सरकार के, उनके माध्यम से एक वृहद यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई। बस्तर में जो हाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो कार्य हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के लिए बेहतर एक रोजगार का संवर्धन करने के लिए जो कार्य हो रहा है, चाहे वो होमस्टे के माध्यम से हो, पर्यटन समितियों के माध्यम से एडवेंचर टूरिज्म का कार्य हो, उसको लेकर के आज ये कार्यशाला का आयोजित किया गया है और हमारी विस्तृत चर्चा भारत सरकार से आई हुई टीम के साथ हुई है। बस्तर को बढ़ावा देने के लिए लगातार वो हमारे साथ मिलकर के प्रयास करेंगे और मैं मानता हूँ इससे बस्तर की जनता को बहुत फायदा होगा। उहे होम स्टे के संचालक रजनीश हा बताइन की पहली लोगन ला होम स्टे के बारे में समझ नहीं आवत रहीस और अब जागरूकता आवत है और बस्तर में एकर तेजी ले विकास होवत है। अब होम स्टे चलाना बहुत आसान हो गया है और अब इतने साल तक का मैं कभी विदेशी सैलानियों के अलावा हमारे देश के सैलानियों को होम स्टे में रुका नहीं पाता था, तो अब ऐसा हो गया है कि हमारे देश के सैलानी जो है वो खुद मुझे कॉन्टेक्ट करके हमारे होम स्टे में आना चाहते हैं। कार्यशाला में बस्तर के पर्यटन ला बढ़ावा दे बर लोगन मन ला भी एकर ले जोड़े जाते। केंद्र सरकार 17 सितंबर ले 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के कार्यक्रम चलावत है। सुशासन के 20 साल में आधारित एक कार्यक्रम में केंद्र के आने आने योजना के बारे में लोगन ला जागरूक करे जावत है। ऐसे ही एक योजना है स्मार्ट सिटी योजना। प्रधानमंत्री हा ए योजना में बोलिन की शहरीकरण वर्तमान समय की जरूरत है। हर शहर को इमारतों से, रास्तों की साइज से नापा नहीं जा सकता। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, हर शहर की अपनी आत्मा होती है, हर शहर की अपनी पहचान होती है। अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है,
ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। श्री मोदी हा लोगन ला कहिन कि शहरीकरण के परेशानी ला समझ के एला एक अवसर के रूप मा लेवत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौका मा जगदलपुर मा बुजुर्ग मन ला सम्मानित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और फिटनेस संगठन हा ये कार्यक्रम के आयोजन करे है। ये कार्यक्रम मा 75 बछर ले ज्यादा उम्र वाले ऐसे पुरुष और महिला मन ला चुने गए है जे हा शारीरिक रूप ले स्वस्थ और तंदुरुस्त है। ये जम्मो सम्मानित बुजुर्ग मन ला संस्था कोती ले साल नरियर और प्रमाण पत्र देगी। ए मौका मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन हा कहिन की 75 बछर के उम्र मा घलो ए बुजुर्ग मन हा स्वस्थ और सक्रिय हवे। ये हमर बर प्रेरणा के स्रोत हरे। फ्रीडम ऑफ रन जो है फिटनेस के लिए हर व्यक्ति को बिल्कुल लगातार प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे उनका जीवन स्वस्थ रहेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरी सभी युवा पीढ़ी से यही अपील कि हमारे इतने बुजुर्गों को देखकर, उनके फिटनेस को देखकर हमको भी अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए। एकले पहली संस्था हा रस्सा खींच और कुर्सी दौड़ के आयोजन करे रही। भारतीय जनता पार्टी हा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 105वीं जयंती मनावत है। भाजपा नेता मन और कार्यकर्ता हा पंडित उपाध्याय के मूर्ति मा माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दीन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हा कहिन कि दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृति मा हमन पूरा बछर कार्यक्रम करथन। जनसंघ के संस्थापक, विचारक, दार्शनिक और हम सबके मार्गदर्शक जिन्होंने भारतीय जनसंघ के स्थापना से लेकर पार्टी को खड़ा करने के लिए और एक विचार दिया, दर्शन दिया एकात्म मानववाद का, उसके प्रणेता के रूप में दीनदयाल जी को पूरा देश और दुनिया मानता है। और उस दौर में वैचारिक धरातल में जब उथल पुथल था, सारी नीतियां फेल हो रही थी, एक तरफ कम्युनिज्म की असफलता लोग देख रहे थे, पूंजीवाद की असफलता भी लोगों ने देखा, तो एक ऐसा रास्ता जो अंत्योदय की ओर जाता है और सबसे बड़ा सरकार का लक्ष्य यही होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जीवन में कैसे सुधार लाएं, तो अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल जी को आज हम याद करते हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हा कहिन कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना ला पूरा करना ओकर सच्चा श्रद्धांजलि होही। और मूल रूप से सबको इस देश के जो नागरिक है सम्मान जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जो सोच रही है इसी सोच को लेकर के नरेंद्र मोदी जी की जो 7 वर्ष की जो कार्य योजना बनी अंत्योदय को लेकर के, पिछले समय 80 करोड़ लोगों को चावल बांटने का मुफ्त में काम, अभी 80 करोड़ लोगों को चावल बांटने का काम, इसके पीछे वैचारिक रूप से हमारे जो धरातल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनकी सोच के अनुसार से सरकारें चल रही है। रायपुर में तेलीबांधा चौक स्थित पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति माँ माल्यार्पण करेगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी हाँ घलो आए रही। एति दुर्गम घलो आने आने रचनात्मक कार्यक्रम ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती मनाएगी। ए कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और भाजपा के स्थानीय नेता शामिल हुई। छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक ला इही मेर विराम देथन और मिलबोन हर इतवार के इही बेरा मा नवा अंक के संग। और कुसुम लता ला दो विदा, जय जोहार।